इस पे आ जाओ। इस चैप्टर को ना सिंगल एंट्री भी बोला जाता है। टेन टू ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी टर्म में आता है और 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको हम लोगों को क्लास में सॉल्व करने में वन एंड हाफ आवर इवन टू आवर्स भी लग सकते हैं इनिशियल पीरियड्स में। बाद में 45 मिनट्स शुड बी द मैक्सिमम टाइम दैट वी शुड टेक टू सॉल्व वन पर्टिकुलर सम। 45 मिनट इंटू पांच करने से कितना होता है देखो, तो 3 घंटा 45 मिनट ना, 3 घंटा 25 मिनट, 45 मिनट। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को 30 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे जो हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ क्वेश्चन 25 मिनट में भी हो जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम दैट वी शुड टेक टू सॉल्व वन सम इज 45 मिनट्स। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार 1.5 घंटा तो एक सम में लग रहा है, तो 2 ही सम बना के आएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा, बी रेस्ट अश्योर्ड। ओके, चलो देखो, ये जो टॉपिक है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? दोज रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मालूम है? हर ट्रांजैक्शन का जब आप दो एस्पेक्ट कवर करते हो, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, और उस हिसाब से जब सारे ट्रांजैक्शंस की आप रिकॉर्डिंग करते हो, यू आर देयर आफ्टर केपेबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। बोलिए मैं सही बोला या गलत? जब आप हर ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट को कवर कर लेते हो तो आप लेजर बना पाते हो, पोस्टिंग कर पाते हो, पोस्टिंग कंप्लीट हो पाती है जल्दी, यस नो बोलना बेटा, तो आप एक ट्रायल बैलेंस बना पाते हो। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस यू आर एबल टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अच्छा बच्चों, हम लोग ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते नहीं है, बनाते हैं, पर बोलते वक्त हम लोग खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। आपको भी खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलना है। क्वेश्चन अगर बोलेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाओ, तो हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, बट बोलते वक्त इट्स कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रायल बैलेंस जब तुमको मिलता है तो तुम पीएनएल और बैलेंस शीट बना पाते हो। इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स वालों की प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? वो लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे अपनी बुक्स नहीं रखते, तो उनके पास ये ताकत नहीं होती कि वो लोग ट्रायल बैलेंस बना पाए। आपको उनके उनके यहां जाकर के ट्रायल नहीं मिलेगा, और ट्रायल नहीं मिलेगा उसके बावजूद स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो स्टूडेंट का एफर्ट विल बी डबल्ड। एक ट्रायल बैलेंस के साथ पीएल बैलेंस शीट बनाना जितना आसान होता है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिले, पीएल बैलेंस शीट बनाने का एफर्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। काम वही करना है, पीएल बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स का यू विल नॉट बी गिवन। बोलिए बच्चों, यू विल नॉट बी गिवन अ ट्रायल बैलेंस बिकॉज द बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और क्योंकि वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए बोल दिया जाता है कि वो सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर सिंगल एंट्री का भी कोई सिस्टम है क्या? आंसर इज नो। तो सर फिर सिंगल एंट्री क्यों बोला गया? डबल एंट्री नहीं बोलना था इसलिए सिंगल एंट्री बोला गया। अब अगर हम लोगों ने पिछले 5 मिनट में यह समझा कि सिंगल एंट्री का मतलब हुआ कि हम हर ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट कवर करेंगे, देन यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। सिंगल एंट्री का मतलब यह नहीं है। सिंगल एंट्री का मतलब है इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री का मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग डबल एंट्री पे डालेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग सिंगल एंट्री पे डालेंगे, और कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो सर उसका स्टैंडर्ड बनाया हुआ है क्या? नो, स्टैंडर्ड कैन ओनली बी फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स तो कोई कितना भी इनकंप्लीट रख सकता है। मान लीजिए somebody 70% कंप्लीट, 30% इनकंप्लीट। भाई डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? 100% ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, यस और नो? अगर मैं 5% ट्रांजेक्शन की भी रिकॉर्डिंग छोड़ देता हूं,
क्या आप उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग कंप्लीट बोल पाएंगे? नो, दैट 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 दोज रिकॉर्ड्स विल बी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स. ओके, तो मेरे को कोई बोले ना कि सर सिंगल एंट्री डिफाइन करो, तो माय आंसर इज ऑलवेज सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री. एक सेकेंड, मैं जवाब दूंगा क्वेश्चन का, हेल्प करूंगा तुमको, पहले मुझे कुछ बोल लेने दो. नाउ लिसन, मेरे बड़े भाई साहब बहुत सालों तक अपना रिकॉर्ड सिंगल एंट्री पे रखते थे, मैं जाकर के उनको डबल एंट्री में कंप्लीट करके आता था. मतलब क्योंकि मेरा ये चैप्टर पढ़ा हुआ था तो मुझे आता था ये काम करना, तो मैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके आता था. अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या करते थे. अच्छा, वो जो करते थे, तुम्हारा क्वेश्चन भी वही किया हुआ रहेगा, जरूरी नहीं है, मैं बोल देता हूं फिर से, बिकॉज सिंगल एंट्री का कोई स्टैंडर्ड नहीं है. इट में बी 30% कंप्लीट, 70% इनकंप्लीट, इट में बी 50% कंप्लीट, 50% इनकंप्लीट. तो मैं जो बोलूंगा, मेरा भाई साहब जो करता था, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई वैसा ही करे, कोई जरूरी नहीं कि तुमको क्वेश्चन पेपर वैसा ही मिले, बट आई कैन से व्हाट माय ब्रदर वाज डूइंग एंड दैट वाज अ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग. ओके, लिसन, वो क्या करते थे, अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगा. वो कैश बुक बनाते थे पूरा, प्रॉपर रिसीट पेमेंट जिसको आप लोग बोलते हो ना, डबल कॉलम परफेक्ट कैश बुक बनाते थे. उसमें आप एक इंच का भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते. इट वॉज परफेक्टली कैरिड डाउन, परफेक्टली उनका बैलेंसेस इन हैंड, हाथ में जो रुपया है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, उनके हाथ में जो रुपया है और बुक्स में जो बैलेंस कैरिड डाउन है, वो मैच रहता था. एवरी डे मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं रोकड़, रोकड़ कैश बुक, तोड़ना तोड़ना बैलेंस कैरिड डाउन. एवरी डे वो बैलेंस कैरिड डाउन करके जाते थे, शाम को हाथ का रुपया और बुक्स का रुपया, बाई बैलेंस कैरिड डाउन और कैश इन हैंड, एक ही चीज है ना बच्चों, कैश इन हैंड और बैलेंस कैरिड डाउन, वो मिला के जाते थे. और बैलेंस एट बैंक और उनके बैंक बुक में जो बैलेंस है, मतलब कैश बुक के सेकंड वाले कॉलम में जो बैलेंस है और एक्चुअल बैंक बैलेंस जो है, वो मिलता था. महीना में एक बार टैली कराते थे, नहीं टैली होता था तो बीआरएस रेडी रहता था. व्हाट इज बीआरएस? जानते हैं आप लोग बीआरएस? वेरी गुड, वो एकदम रेडी रहता था. मतलब आप एक उंगली नहीं रख सकते उनकी कैश बुक पे, परफेक्टली कंप्लीट कैश बुक. टू, देखिए तो बच्चों मैंने क्या लिखा, क्या लिखा मैंने, डेटर्स लेजर. सुनियो, सेल्स लेजर भी बोलते हैं आप लोग इसको, कंप्लीट, एकदम परफेक्टली कंप्लीट. हर डेटर के अकाउंट में टू सेल्स, बाई सेल्स रिटर्न, बाई, पल्ले पड़ रहा है तो, बाई बैड डेट, बाई डिस्काउंट, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, परफेक्टली लिखा हुआ है. किसी दिन भी पूछोगे ना राजेश से कितना रुपया पाना है, वह ठीक बोला मैंने, आप कंफर्टेबल हैं, तो थोड़ा सा वो फाउंडेशन के मोड से बाहर आकर के थोड़ा सा इंप्रूव्ड अपने आप को करने की कोशिश करनी. ओके, तो किसी भी दिन पूछोगे ना राजेश से कितना रुपया पाना है, सुनील से कितना रुपया मिलने वाला है, दिनेश से कितना रुपया पाएंगे, एकदम रिकॉर्ड रेडी है एवरी डे. इन लोगों का रोज तकादा होता है, तकादा समझते हो, क्लाइंट के पास जाना और बोलना कि मेरे को पैसा भेज, तेरा पैसा पाते हम, तो वो बैलेंस कैरिड डाउन इज परफेक्टली मेंटेन्ड. तो पूरा प्रॉपर डबल एंट्री जैसा रिकॉर्ड है कि नहीं, हमको बताओ. तीन, क्या ये एकदम परफेक्टली कंप्लीट, एकदम कंप्लीट प्रॉपर, किस पार्टी को कितना रुपया देना है उसका हिसाब किताब एकदम प्रॉपर है? तो आप बोलेंगे सर फिर इसमें सिंगल एंट्री क्या हुआ? बस और कुछ भी नहीं है, ये तीन रिकॉर्ड्स आर परफेक्टली कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं है. सर कुछ नहीं है मतलब कौन सा वाला लेजर नहीं है? देखो और देख के बताओ कौन सा वाला लेजर नहीं. ये तो रहा परचेज लेजर बेटा, ये रहा सेल्स लेजर, असेट का लेजर, लायबिलिटीज का, बाकी कोई चीज का आप लोग उसको बोलते जनरल लेजर. क्या बोलते हैं? जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर या मेन, एम ए आई एन, तीन नाम है उसके, फाउंडेशन पास करके है ना आप लोग, तो इस लेजर का नाम कैसे नहीं बोल पाए?
सर ऐसे ही बस 80 नंबर लाए हैं, बस बोलिए मत बाकी ना वो मेन वाला जो लेजर है जिसमें सैलरी अकाउंट होता है, रेंट अकाउंट होता है, बिल्डिंग प्लांट कैपिटल ड्रॉइंग, वो अकाउंट ही नहीं है, कहीं पे है ही नहीं, वो लेजर ही नहीं है। अब आप सोचिए बहुत केयरफुली, हाँ सिंगल एंट्री का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तेरे दिमाग में अभी तुरंत बैठ जाएगा। अब तुम सोचो भाई साहब की कैश बुक में, देखिए तो बोर्ड में समझ में आ रहा कि नहीं बोलिएगा ना तुरंत, ये लिखा हुआ है कि नहीं कैश बुक में, ये लिखा हुआ है कि नहीं है, है ना लिखा हुआ, बिकॉज कैश बुक तो मैं क्या बोला फुल्ली कंप्लीट बैलेंस कैरेट डाउन एवरी डे, तुम लोग तो साल में एक बार बैलेंस कैरेट डाउन करते हो, बोलो एज ए स्टूडेंट कब करते हो बैलेंस कैरेट डाउन, साल में एक बार, वो एवरी डे करके जाते हैं, पापा जब तक जिंदा थे हिसाब मांगते थे कितना रुपया रोकड़ में, मारवाड़ी में प्लीज जो मारवाड़ी है वो समझेंगे ये बात, जो नहीं है बगल वाले से पूछ लेना बाहर जाकर के, मास्क ऑन रखना कितना रुपया रोकड़ में पापा पूछते थे, वो हिसाब देता था बंदा, तो वो अल्टीमेट लेवल का करेक्टनेस था। एंट्री है या नहीं है भाई साहब की बुक्स में, है ये देखिए है क्या, लेजर ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, पोस्टिंग ही नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट तो बोलेंगे भाई, इनकम्प्लीट तो पढ़ा रहे थे, इनकम्प्लीट तो बोलेंगे, कुछ और बोल, सिंगल एंट्री, यस वन एंट्री। सो भाई साहब का सैलरी का रिकॉर्डिंग जो है वो ओनली कवर्ड बाई वन आस्पेक्ट ऑफ द डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ही वॉज कवरिंग ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सो फार एज सैलरी अकाउंट इज कंसर्न्ड। क्लियर, ये एंट्री देख तो क्या चीज की है बेटा, श्याम इज माई डेटा, श्याम इज माई डेटा, गुड्स रिटर्न कैश लिखा बेटा, डेटर्स मेड द पेमेंट, अपन उसको सिंपल बोलते कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आप बहुत केयरफुली सोच के बोलना, जो मैंने भाई साहब के बारे में बोला उसके बेस पे आप अपना आंसर देना बच्चों। देखिए थैंक यू, किसने बोला डुअल एस्पेक्ट का वर्ड है, दो तीन बीच वाली बच्ची ने बोला, थोड़ा सा उस वक्त मास्क नीचे कर लीजिएगा ताकि मैं देख के आपको वो समझ पाऊं कि आप कितने समझदार हो। कैश टू श्याम डुअल एस्पेक्ट का वर्ड है कि नहीं बताओ, कैश बुक में प्रॉपर एंट्री है, श्याम अकाउंट में प्रॉपर एंट्री है, मतलब दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भाई साहब वाज कवरिंग बाई फॉलोइंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देख तो बेटा ये क्या एंट्री है, तुरंत पकड़ लिया आप, बोलिए इसका कहीं कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, इट्स अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री डबल एंट्री एंड नो एंट्री। तो सिंगल एंट्री को सिंगल एंट्री समझने की अगर गलती किए सम सॉल्व नहीं होगा, सिंगल एंट्री इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री डबल एंट्री एंड नो एंट्री। लेकिन एक चीज क्लियर है, द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट बिकॉज इवन 1.001% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स भी अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग पे कवर किया हुआ नहीं है देन दे विल बी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड इफ दे आर इनकम्प्लीट वी कैन नेम टर्म इट सिंगल एंट्री बट वी डोंट मीन सिंगल एंट्री बाई सिंगल एंट्री। क्लियर, लिखो पॉइंट नंबर वन, व्हेन द अकाउंट्स आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय following
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कॉमा करके लिखो, द रिकॉर्ड्स आर कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। द रिकॉर्ड्स आर कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सेंटेंस कॉम्प्रिहेंसिव है, समझ में आया, कंप्लीट है सेंटेंस, फुल स्टॉप करके लिखो। वी कैनॉट प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन पेपर की पहचान ही यही है। क्या बोलिए तो, कि आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन सिंगल एंट्री का है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का है। आप बोलते वक्त मेरे को सिंगल एंट्री बोल सकते हो बच्चों क्लास में, बस आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि सिंगल एंट्री सच्ची में सिंगल एंट्री नहीं है। ओके, बोलते वक्त इस चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। हाँ, तो सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को पहचानना हो तो क्या 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 कैसे ढूंढेंगे कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा और हमें करना वही पड़ेगा। हमको बोला जाएगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना करके दो, हमको पूरा काम करने बोला जाएगा, पर अगले का रिकॉर्ड्स इनकंप्लीट रहेगा। यू गॉट इट। सेकेंड पॉइंट में लिखो, हेडिंग दे दो कन्वर्जन मेथड। अच्छा एक सेकेंड रुकना, वो बच्चा कुछ पूछना चाहता था, बोल बेटा। ओके, नहीं उसमें देर आर मिस्टेक्स, मैं समझ गया, लेकिन मुझे बोलने दे। उसमें क्या होता है कि आपके रिकॉर्ड को इनकम्प्लीट नहीं बोला जाता, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई, उसके लिए एक चैप्टर आप लोगों के पढ़ाई होता होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपके रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली ब्लैटेंटली या ब्लंटली ऑडिटर नहीं बोलेगा कि योर रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। यू गो एंड फाइंड योर मिस्टेक्स, लेट्स रेक्टिफाई देम। ऑडिटर्स विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, यू विल बी रेक्टिफाइंग इट एंड देन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू कैनॉट, फिर भी मैं बोलता हूं कि उनको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बोला जाता, भले मिस्टेक्स ज्यादा भी हो। ऑडिटर ये जरूर बोल देगा कि भाई ये ऑडिट करने के लायक नहीं है, बेकार रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बोलेगा। ओके, क्योंकि फॉलो तो तुमने डबल एंट्री बुक कीपिंग किया ही है, तुम्हारे में तुमसे गलतियां हो रही हैं दुनिया भर की, तो द टाइम हैज कम टू चेंज योर अकाउंटेंट। लिखो नंबर टू, हेडिंग क्या दी है बच्चों, कन्वर्जन मेथड। लिखिए, यूजिंग दिस मेथड वी जब भी मैं बोलूंगा, वी मीन स्टूडेंट्स, वी विल कन्वर्ट द कन्वर्ट को हटाओ, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रैक्टिकल चैप्टर में घुस रहे हैं आप, प्रिपेयर्ड हैं तो, मतलब ऐसा तो नहीं कि पहला क्लास में खाली भाषण सुनने आए थे, पहला क्लास से पढ़ने के मूड में है तो। ओके, हाँ मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल्स। चल क्या लिखा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग फाइव स्टेप्स। रेडी,
पहला स्टेप लिखो, रोमन वन करके लिखना, प्रिपेयर एन ओपनिंग बैलेंस शीट. कौन सा साल चल रहा है अभी? 2021. मार्च के बाद वी विल बी इन 21-22. तो बातचीत करते वक्त बच्चों मैं 2021 बोलूंगा, क्योंकि नवंबर तक जो बच्चे एग्जाम देंगे, आप लोग सब नवंबर में ही तो बैठोगे ना बच्चों, नवंबर तक जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका फाइनेंशियल ईयर विल बी 2021. 21 मार्च खत्म हो गया होगा नवंबर तक, तो 2021 विल बी योर फाइनेंशियल ईयर. तो पढ़ाते वक्त मैं ये वाला साल यूज करूंगा, लेटेस्ट 2021 यूज करूंगा. ओके, नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट 20. अच्छा 2021 से आप समझते हो ना, इट स्टार्ट्स ऑन विच डेट, इट एंड्स ऑन विच डेट, आप समझते हो बेटा? क्या बोलेंगे? इट स्टार्ट्स ऑन 1st of April 2020. मेरी समझ से उसी वक्त से लॉकडाउन चालू हुआ था ऑलमोस्ट, 22nd of March. ओके ओके, और 31st March 2021 विल बी दी लास्ट डेट ऑफ द ईयर. लास्ट डेट ऑफ द ईयर को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग डेट. और कोई नाम? ईयर एंड डेट. और कोई नाम? रिपोर्टिंग डेट. क्या बोलेंगे? अब आप सीए इंटरमीडिएट में हैं, रिपोर्टिंग डेट बोलना भी स्टार्ट करो. 31st March 2021 विल बी द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट इसलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दिन खत्म होता है, वहां तक की हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं. रिपोर्टिंग मींस इंफॉर्मिंग आर गिविंग आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द पब्लिक, सो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग. बताना हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बोलते ना रिपोर्टिंग सर आ गए हम, तो दैट वे यू आर इन्फॉर्मिंग अदर्स अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देयरफॉर द वर्ड रिपोर्टिंग डेट. ओके, लिखो दोबारा. हाँ, कैलेंडर ईयर का भी डिस्कशन होता है, बट कैलेंडर ईयर आज के दिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट में भी पहले पहले तो क्या था ना बेटा, सुनिएगा अच्छे से, पहले पहले क्या था कि इनकम टैक्स एक्ट, आप इनकम टैक्स एक्ट नाम सुने हो? आपके सिलेबस में 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का. तो पहले तो क्या था बच्चों कि जो इनकम टैक्स एक्ट था ना, वो हर एंटिटी को बोलता था कि आपका बुक्स 31st मार्च को होना चाहिए. मतलब आपका जो हम इनकम जिस पे टैक्स लगाएंगे ना, दैट विल बी टिल 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर. लेकिन बुक्स आप दिसंबर तक भी रख सकते हो, बुक्स आप जुलाई एंड भी कर सकते हो, बुक्स आप अपने बर्थडे को भी एंड कर सकते हो. अभी कंपनीज एक्ट में भी चेंज आ गया है, और कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि अब आपको अपना बुक्स 31st मार्च को ही एंड करना पड़ेगा. लेकिन मैं सुदर्शन अग्रवाल एज एन इंडिविजुअल, केयरफुली सोच के बोलना, मैं सुदर्शन अग्रवाल एज एन इंडिविजुअल क्या अपना बैलेंस शीट का डेट 29th of November रख सकता हूं? यस आई कैन. लेकिन सर इनकम टैक्स वाला आपको परेशान नहीं करेगा, मैं उनको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम 31st मार्च तक का ही बना के दूंगा. मेरा बैलेंस शीट 29/11 का रहेगा, पर इनकम टैक्स वालों को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जिनके ऊपर वो लोग मेरा टैक्स लेंगे, वो मार्च वाला एंडिंग तक का ही टैक्स लेंगे, भले ही मेरी बैलेंस शीट 29/11 की क्यों ना हो. तो सर फिर इनकम टैक्स वाले तो आपको परेशान कर देंगे आपकी इनकम को असेस करने को लेकर के. तो इनकम टैक्स वाले हैं वो तो ऑफिसर लोग होंगे, बिल्कुल परेशान करेंगे. तो सर फिर आप क्या करते हैं बताइए? ऑब्वियसली मैं क्या करता हूंगा, मेरा बैलेंस शीट 31st मार्च तक का ही बनता है. लेकिन मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं 31st मार्च का ही बैलेंस शीट बनाऊं. तो उस बच्चे ने जो बोला वो रॉन्ग नहीं है कि कैलेंडर ईयर का कोई बैलेंस शीट बनाना चाहे तो बना सकता है. क्या कौन नहीं बना सकता बताओ? कंपनीज नहीं बना सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोल दिया गया है 31st मार्च शुड बी योर ईयर एंड. बाकी कोई लोग कभी का बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 31 मार्च तक की इनकम कोई असेस करेगा, यह समझ जाना भैया. जहां भी टैक्स के ट्यूशन पढ़ने जाओगे वो सर यही बोलेंगे, ईयर बिगिंस ऑन 1st of April एंड्स ऑन 31st of March सो फार एज योर टैक्सेबल इनकम इज कंसर्न्ड.
गुड क्वेश्चन, लिखो। अच्छा सुनो, सिंगल एंट्री के चैप्टर में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में, दिमाग में एक मेंटल सेटअप पहले मिनट से बना लो। मैं अभी बोलने जा रहा हूं ये सारी बातें, पहले मिनट से बना लो कि हम लोग जब रिकॉर्ड्स बनाना चालू करेंगे, हम लोग जब काम करना चालू करेंगे, सम सॉल्व करना, तो कहीं से भी मिसिंग फिगर मिले, कहीं से भी, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज द फिगर्स विल बी मिसिंग। व्हाई द फिगर्स विल बी मिसिंग? द अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट का मतलब ही हुआ कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको ढूंढना है। वो लोग मिसिंग फिगर देगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देगा, हमको कंप्लीट करना है, तो हमको मिसिंग फिगर ढूंढना है। तो वो मिसिंग फिगर कहीं से भी मिल सकता है, कहीं से भी। तुमको रेडी रहना है कि हां मेरे को यहां से मिला, ठीक, यहां से मिला, ठीक, वहां से मिला, ठीक, कहीं से मिले। मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहां कहां से मिसिंग फिगर मिलेंगे, आप खुद देखेंगे आज की क्लास में। जस्ट अपने दिमाग को खुला रखिएगा, कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिले। तुमको फेसबुक से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ट्विटर से भी मिलती है, टीवी से भी मिलती है, दोस्त फोन करता है तुमको इंफॉर्मेशन मिलती है, बोलिए हाँ या ना, तो तुम लेते हो कि नहीं लेते हो, उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो कि नहीं करते हो। यहां पे भी एकदम दिमाग खुला रखना, विथ योर ओपन माइंड यू विल बी सॉल्विंग द सम्स, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ईजी चैप्टर नहीं है, नो, खास करके अगर क्लोज्ड सेट ऑफ माइंड से आओगे तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। खुला रखना है दिमाग, मैं बताऊंगा कैसे कैसे। हाँ लिखो, क्या लिखा बच्चों? प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस शीट। ज्यादातर केसेस में ओपनिंग बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। हां 99% में कैपिटल, बट अगेन अगर कैपिटल मैं दे दूं और असेट साइड में कुछ मिसिंग छोड़ू, मान लीजिए थैंक यू, हां आप जब बोल रहे हैं कैश, मैं जब अगला सेंटेंस बोल रहा हूं इसका मतलब आपके सेंटेंस को मैं एक्सेप्ट कर लिया, हेलो, नहीं तो मैं पहले आपको सुधारूंगा। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, मान लीजिए कैश भी सम में दिया हुआ, बैंक भी सम में दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। थैंक यू, डोंट से फिक्स्ड असेट ओनली, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, हम तैयार हैं सर, हमको रेडी है। आप डेटर मिसिंग करके दीजिए, क्रेडिटर मिस करके दीजिए, कुछ भी मिस करके दीजिए, हम रेडी हैं उसको लेने के लिए। अब तुम बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा क्या मिसिंग है? देयर विल बी 200 नंबर ऑफ और नेम ऑफ असेट्स, कौन सा मिसिंग है कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे पता चल जाएगा, ओके? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास दो में से एक चॉइस हो, क्या बोला फिर से? दो में से एक चॉइस हो तो आप उसको चॉइस कीजिएगा, वन विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, क्या बोला रिपीट? वन विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। मैं आपको तो बैलेंस शीट बनाता हूं, आप उसके सामने देखिए, डोंट ड्रॉ, बोले ना डेटर्स, क्यों बोले बेटा? थैंक यू, हाँ थैंक यू, ऐसे रहोगे ना तो सिंगल एंट्री का सम बन जाएगा, नहीं समझे? दादागिरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, अलग अलग नाम डिक्शनरी से निकाल निकाल के, गिव मी द नेम्स ऑफ 100 असेट्स, हम वहां यूज करेंगे। ये दादागिरी में जिस दिन आ जाओगे सिंगल एंट्री का सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के मुंह से निकला डेटर्स, थैंक यू वेरी मच, इस वाले कॉन्सेप्ट पे रहिएगा। गिवन सर्कमस्टांस में तुमको जो लगे ये मोस्ट लाइकली टू हैपन है उसको लेना है, आगे बढ़ जाना है। यू गॉट इट? लिखो, क्या लिखा पहला लाइन बोलो? प्रिपेयर एन ओपनिंग बैलेंस शीट।
टू में लिखो, नीचे भी मैंने कुछ लिखा है, देखो कैशबुक बनाना है, आप उसको कैश एंड बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। डबल कॉलम बनाने की कोशिश करनी है इफ पॉसिबल। कई सारे क्वेश्चन इस तरह के बनाए जाते हैं सिंगल एंट्री में जानबूझ करके बच्चों को परेशान करने के लिए कि कैश और बैंक दोनों रहता है उनके पास, दे हैव कैश इन हैंड, दे हैव कैश एट बैंक, बट दे डोंट गिव यू इंफॉर्मेशन, दे विल नॉट गिव यू इंफॉर्मेशन कि आप उससे डबल कॉलम कैश बुक बना पाओगे, देंगे ही नहीं वो लोग, और आप बना भी नहीं पाओगे, आप जितना कोशिश कर लो यू विल नॉट बी एबल, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट यू टू प्रिपेयर दैट। इसीलिए मैंने वर्ड बोला, देखो क्या, इफ पॉसिबल। अगर नहीं बन रहा है माथापच्ची मत करो, सिंगल कॉलम कैश बुक बना दो, एक ही कॉलम कैश का और बैंक का दोनों का। क्या बोला, फिर से बोलो, एक ही कॉलम कैश और बैंक दोनों का। अब आप मेरे से लड़ाई करने के लिए मत आ जाना, आप ये मत बोलना सर फाउंडेशन में तो मैं पढ़ता था कि नहीं नहीं सिंगल कॉलम कैश बुक मींस खाली उसके पास कैश अकाउंट है, यही तो, डबल कॉलम मींस कैश और बैंक दोनों अकाउंट, ट्रिपल कॉलम डिस्काउंट वाला ना हम लोग बात ही नहीं करते, उसको हम लोग बेइज्जत चीज मानते हैं, बेकार, वो नॉनसेंस चीज है। तो सर डबल कॉलम तो कैश और बैंक अकाउंट दोनों रहता है तो डबल कॉलम ही बनता है, अब हम तुमको मजबूरी में जहां डबल कॉलम बनता है उसको भी सिंगल कॉलम बनाने को मजबूर करेंगे, और ये आपका पहला दिन सीए इंटरमीडिएट का जहां पे आपको महसूस कराया जाएगा कि हां भाई ऐसे भी काम होता है। तो वो जो जिद्दी वाला कहानी है उसको छोड़ना पड़ेगा, एक बार बोर्ड पे देखिए, रेडी, इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, दो कॉलम है, डन, समझ में आ रहा है तो बच्चों, रेडी। अगर मैं आपको क्या लिखा बच्चों पहले बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस, उसके बाद नहीं डेटर्स तो लिखा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैशबुक के डेबिट साइड में है ना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसे पकड़ पाते ना कि ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। हाँ थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो ना तो आप पर्सनली मिलिएगा मेरे से, हम आपको हेल्प करेंगे। हाँ तो अब मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स है, अब क्वेश्चन में ना ऐसे लिख के दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 800, और कोई सीन नहीं है मेरे बच्चों कि आप उसको अलग कर सको, कोई सीन नहीं है। क्वेश्चन में लिख के दिया कैश एंड बैंक 110, और कोई सीन नहीं है आप अलग कर सको, क्या लगता है बुक्स बनेगा कि नहीं उसके बाद भी? अगर आप हम लोग इसको एक साथ 110 लिख दें, 110 एक साथ 800 लिख दें, साइड थोड़ी चेंज हो रहा है मेरे भाई, साइड वही है कि नहीं हमको बताओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर रिसीट साइड में है कि नहीं है, चाहे चेक से मिले चाहे कैश से मिले, मिला ही तो है रे बाबा, रिसीट साइड में तो रहना है, आप बोलिए सुनो। तो ऐसा भी कैश बुक बनाना तेरे को पड़ सकता है, अगर पड़े तो बना लेना, उसमें जिद्दी करना मत कि सर हम तो डबल कॉलम बना के रहेंगे, अरे मुन्ना नहीं बना पाएगा, डेटा ही नहीं दिए मेरे बाप, डेटा ही नहीं दिए, कहां से बना लोगे? सर हम तो 95 लाए सीए फाउंडेशन में, तो क्या हो गया, 100 ले आते तो बना देते क्या, हम डेटा ही नहीं दिए तुमको जानबूझ करके, कि तुम बनाओ सिंगल कॉलम वाला और आंसर निकाल के दो, गिवन सर्कमस्टांस में तुम आंसर निकाल के दो, उस समय जिद नहीं करना है। ओके लिखो, ब्रैकेट में ना स्टार लगा के ये वाली बात लिखो जो मैंने अभी बोली, स्टार लगा के, वी मे बी फोर्स्ड टू प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चे
आप वहां चले जाइए ना प्लीज, क्योंकि मैं इस तरह देख के पढ़ाता हूं, आप ठीक सामने में बैठे हुए हो, या फिर उस जगह पे चले जाइए। क्या लिखा बच्चों? वी मे बी forced to prepare a single column cash book even when there are cash and bank accounts. थर्ड पॉइंट में लिखो prepare ledger accounts like debtors account, creditors account. ये जानते हो बच्चों आप लोग? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है? माने यू नो ना व्हाट इज अ बिल रिसीवेबल? ओके गुड। नहीं होगा, क्लास जब चलती रहेगी कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा। कोई चीज के बारे में भी ना आपको पूछने से डरना नहीं है, हम एकदम बकवास से बकवास क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। कॉमा बिल्स पेएबल अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा का मतलब यह हुआ कि मान के चलो 99.99% केसेस में यह चार अकाउंट बनाने से काम हो जाएगा, बट देयर मे बी वन और टू डिफिकल्ट सम्स, वन और टू आउट ऑफ 30 सम्स। मान लो हम लोग टोटल 30 सम बनाएंगे, मान लो इस चैप्टर में 7-8 मैं बनाऊंगा, 10-12 आप होमवर्क में बनाओगे, 7-8 और रिविजन के लिए आप बनाओगे। मान लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल सॉल्व से 30, उसमें से एक दो समय ऐसा हो सकता है जिसमें आपको एक पांचवा लेजर बनाना पड़े, और वो पांचवा लेजर क्या चीज का होगा वो आप नहीं बता पाओगे, वो क्वेश्चन ही बताएगा पांचवा लेजर क्या चीज का होगा, क्योंकि किस तरह का इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स वो लोग देंगे हम लोगों को नहीं मालूम, और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिचुएशन देख करके हैंडल करना है। गॉट इट? नीचे लिखो नंबर डी 4, प्रिपेयर a trading and profit and loss account और नंबर 5 में लिखो हां prepare a closing balance sheet। अब इस पे मैं आपको लिख लिया ना सबने? गुड। अब इस पे मैं आपको इसलिए एक बार और प्रिपेयर करवा दूं कि पहला चार स्टेप क्या क्या चीज का है बिना देखे बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक, लेजर्स एंड ट्रेडिंग पीएनएल। किसी से भी कोई सा भी मिसिंग फिगर हम निकलवा सकते हैं। एक सम में डेटर अकाउंट बनाए क्रेडिट सेल निकाले, दूसरे सम में डेटर अकाउंट बनाए तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग फिगर निकला, तीसरे सम से उसी डेटर में बैड डेट मिसिंग फिगर निकला, जल्दी चौथे सम में उसी डेटर अकाउंट से बैलेंस कैरेट डाउन भी मिसिंग फिगर हो सकता है। आप बताइए हो सकता है कि नहीं? सो कौन सा सम से कौन सा मिसिंग फिगर निकलेगा ये सिचुएशन बेस्ड रहेगा। अपन को खुला दिमाग रखना है कि ओके क्या प्रॉब्लम है यार, हमको तो पता चल रहा है ना कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग है, तो डेटर का अकाउंट बनाया कैश कलेक्शन निकला उसमें से, खत्म करो बात को और रिसीव करो, बात को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ना है। ओके पहले चार स्टेप से कोई भी मिसिंग फिगर निकल सकता है, हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं उस मिसिंग फिगर को। पांचवा स्टेप जो बैलेंस शीट का होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो खुद टैली होगा, उससे कोई मिसिंग फिगर ये लोग निकालने का सम नहीं देते, मतलब आज तक नहीं दिए पिछले 25 साल से, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैंने नहीं देखा, अदरवाइज
पांचवा स्टेप का बैलेंस शीट आपको खुद को टैली करना पड़ेगा, बाकी सब का कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होने का चांस है। अच्छा मान लो बच्चों, ये भी एक तो बड़ी मजेदार चीज है। मान लो आप एक लेजर अकाउंट बनाए, आपको उम्मीद था उससे कुछ मिसिंग फिगर निकलेगा, तुम देखा वो टैली हो गया, तो डिजेक्टेड फील मत करो कि यार मैं तो बनाया असला खुद ही टैली हो गया। अरे खुश हो रहे बाबा कि कुछ मिसिंग फिगर नहीं निकला, मेरा खुद टैली हो गया, हम साला अच्छा से बनाए हैं। तो ये भी हो सकता है तुम ढूंढने गए थे कुछ मिला ही नहीं, यार सब कुछ तो क्लियर था, तो ये भी पॉसिबल है। ओके लिखो, पॉइंट नंबर, नहीं नहीं ये हो गया पांचों स्टेप, थ्री, हां लिखो थ्री। Use of GP ratio. क्या है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। कॉपी में लिखो, गुड। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जीपी रेशियो, जीपी का फिगर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है। 99% केसेस में आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो फाइनल आंसर उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वहां से आप फिर ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करते हो बाई जीपी लिख करके, फिर आप लोग नेट प्रॉफिट निकालते हो। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन का एक बहुत कॉमन सा जो एस्पेक्ट मैंने देखा है वो ये है कि जीपी रेशियो ये लोग दे देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर ये लोग निकलवाते ही निकलवाते हैं। प्लेन ट्रेडिंग अकाउंट हार्डली एक या दो सम में मिलेगा आउट ऑफ 30 सम्स। प्लेन ट्रेडिंग अकाउंट मींस जहां का बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट निकले, जो तुमने हमेशा निकाला है, वैसा क्वेश्चन एक या दो ठो मिलेगा 30 में से या 20 में से, जितने भी सम हम लोग बनाएंगे। बाकी 90% सम्स में दिल प्ले ट्रिक विथ दिस जीपी रेशियो। ओके मैं कुछ लिख के देता हूं, आप जरा सॉल्व करके दीजिए मुझे। लिखो एग्जांपल वन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए क्लास में। दिख रहा है बच्चों बोर्ड पे? हम्म,
अच्छा हम लोग थोड़ा और डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, या आप लोगों को लगता है कि नहीं आपको ऐसे ही बैठना है? मेरे कहने का मतलब और भी स्पेस है अपने पास, हाँ आप वहां कोने में जाकर के भी बैठ सकते हो, पीछे वाले बेंचेस में भी बैठ सकते हो। आप लोगों को थोड़ा सा अपना सेफ्टी जो रखने के लिए, माने मिनिमम तो मैंने 6 बच्चे जो बैठते हैं उसमें 3 बच्चों के बैठने की व्यवस्था करवा दी है, उसके अलावा भी अगर आपको बेंच बाई बेंच भी गैप रखना है ना, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश करना जितना डिस्टेंस एक दूसरे के साथ आप मेंटेन कर सको प्लीज, हाँ क्योंकि आपके पेरेंट्स लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न होगा यही वाला अभी, कि बच्चे जा रहे हैं किस तरह का नॉर्म्स क्लास में फॉलो होता है, और कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़े, मतलब दादागिरी वाली नहीं, रियल वाली इम्प्रूवमेंट की अगर जरूरत हो आप मुझे बोलिएगा कि सर अपन ये कर सकते हैं अपन वो कर सकते हैं, उस तरह कुछ भी जरूरत पड़े, प्लीज टेक कोविड सीरियसली, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अ डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माई फ्रेंड डाइड, अ लिटिल सीनियर टू मी, जिस जगह पे मैं रह के पढ़ता था वहां पे वो भी रह के पढ़ते थे, हॉस्टल तो नहीं था, एक तो समझ लो 10-12 रूम का एक फ्लैट था, मेरे से 4 साल या 5 साल सीनियर थे वो, उनकी बेटी पढ़ती थी मेरे से, देवघर के रहने वाले, देवघर नाम सुना आप लोगों ने, झारखंड में। सो लेट्स टेक इट सीरियसली, ओके, क्या डरा नहीं रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। सो अपन केयरफुल रहेंगे अपने लिए अच्छा है, आप लोग तो फिर भी रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्दी, समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? सुनिए नाउ, मैं ये बोल रहा था आप लोग ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाए बच्चों आराम से? तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा, नॉट अ सिंगल पर्सन। अब ये लोग जीपी रेशियो को, जैसे आपने बोला ना जीपी ऑन सेल्स, उसको जीपी ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करने का और उसको यूज करने का बहुत सारा सम्स बना करके देते हैं। तो आई एम राइटिंग समथिंग, लेट मी सी अगर आप इस चीज को प्रॉपरली जानते हैं या नहीं, अगर नहीं जानते तो बहुत केयरफुली मेरा 10 मिनट का लेक्चर सुनिएगा, ओके सी इट, नीचे लिखो कॉपी में, ये फॉर्मूला क्या चीज का था? नहीं नहीं नहीं, जीपी ऑन सेल्स है कि जीपी ऑन कॉस्ट है? ये देखिए जीपी ऑन सेल्स, सेल के ऊपर जीपी बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीपी ऑन सेल्स। तो मान लो मैं आपको लिख के दिया कि जीपी ऑन सेल्स इज 20%, तुरंत आंसर मत दीजिएगा बेटा, हाँ मैं जो बोलू उस पर ध्यान दीजिएगा खाली। क्या हम लोग जीपी ऑन कॉस्ट निकालने के काबिल हैं? कितना आएगा इसमें जीपी ऑन कॉस्ट, कितना आएगा जीपी ऑन कॉस्ट? 25% या 1/4, 25% को 1/4 भी बोलते हैं? अच्छा फालतू चीजों में ना बहस मत कीजिएगा सर, 25% बोलना है कि 1/4 बोलना है? तू बेटा 2/9 बोल दे बस, तू चुप रहे, समझ गया मैं क्या बोला? थैंक यू, मैंने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं यार, 18-19 साल के बच्चे हैं आप लोग, समझदार हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं, प्लीज मेरे को ऐसा महसूस होने दीजिएगा, बिकॉज घर में मैं अपने छोटे बच्चे को पढ़ा के परेशान हो गया। नाउ 25% 1/4 कैसे लाए आप लोग? सर ये 1/5 है, एक कम कर दिया और क्या नीचे वाले को? सर एक का ही फंडा है, वो 1/5 को 1/4 कर देते हैं, 1/6 को 1/5 कर देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं ना। इसका प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं आपको देता हूं, ओके जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। 1/5 में, 1/5 में व्हाट इज 1 एंड व्हाट इज 5? 1 इज जीपी, 5 इज सेल, मतलब 5 रुपए में मैं अगर कोई माल बेचता हूं तो 1 रुपया कमाता हूं, तो कितने में खरीदता हूं? 4 में, 5 में बेच के 1 रुपया कमाएंगे तो 4 में ही ना खरीदेंगे, तो कॉस्ट 4 ही तो हुआ, वही 4 तो नीचे है, जीपी ऑन कॉस्ट ही तो है मेरे भाई, जीपी ऑन कॉस्ट ही तो है, 5 में बेच रहे हो 1 रुपया कमा रहे हो तो 4 में ही तो खरीद रहे हो, जल्दी ये सुनो। अब इसको ऐसे पकड़ लो, रेडी,
20% का मतलब क्या होता है? 20/100, 100 में बेचते हैं तो 20 कमाते हैं, 80 में खरीदते हैं, 20/80, 1/4, 20/80 is 25%. कंफर्टेबल? नाउ मैं लिखता हूं कुछ ना, और कोशिश करिए ठीक से कहानी को अंजाम तक पहुंचाने का. अरे बाबा रुक कर रहे, इतना जल्दी ऐसे थोड़ी अपन को आज ही एग्जाम देना है नवंबर में मेरे भाई. पॉसिबल है कि नहीं हमको खाली ये बताओ. अब 11% में तो 1/9 या 1/18 टाइप का नहीं है कि 1/17 कर दे. अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 100 में जाना पड़ेगा, खाली हाँ या ना बोल दो. 100 में जाना पड़ेगा ना, तो सेल 100, जीपी 11, कॉस्ट 89 हो गया, तो जीपी ऑन कॉस्ट इज 11/89. बाकी परसेंटेज परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है. थैंक यू कि तुम 11/89 बोल के आगे बढ़ना चाहते हो. कुछ अपने आप को आमिर खान साबित करने वाले लोग, मतलब परफेक्शनिस्ट साबित करने वाले लोग, वो मार 11/89 × 100 करेंगे पहले. वो बोलेंगे सर देखिए तो इतना आया कि नहीं आया. ये फालतू काम इस क्लास में मत करना. ओके नेक्स्ट. लिख रहे हो ना आप लोग? गुड. यही लिखा हुआ बस. 3/13 जीपी ऑन कॉस्ट 3/13, और आपको बोला गया जीपी ऑन सेल निकाल के दो. एंड वी आर गुड एट दिस नाउ, यस और नो? थोड़ा सा भी लगा कि हम लोगों ने इंप्रूव किया फाउंडेशन लेवल से, जहां पे 1/5 और 1/4 ही कर पाते थे, ये अब कुछ भी कर पाएंगे. अभी किसी भी तरह का सिचुएशन हैंडल हो जाएगा, खाली हाँ या ना में जवाब दो. अच्छा एक लाइन बोलता हूं और हमको प्रूफ करो कि हम गलत हैं. हम गलत ही बोलेंगे. ओके हमको प्रूफ करो कि हम गलत हैं. माय जीपी रेशियो इज 100%. माय जीपी रेशियो इज 100%. क्या 100% जीपी रेशियो पॉसिबल है? फालतू बात है ना. जीपी रेशियो 100% नहीं होता है. मैन्युफैक्चर कीजिए, खरीद के लाइए, कुछ ना कुछ तो आपका कॉस्ट लगेगा ही. अच्छा जो लोग करेक्ट करते हैं मैं उनको इस तरह से फिंगर्स दिखाता हूं, मतलब थम्स अप करता हूं. और ना और एक बात, जैसे अब आज तो पहली क्लास है, जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना बच्चों, लास्ट बेंच पे जो भी बच्चे बैठते हैं वहां पे, आप हमेशा वहां बैठोगे कि नहीं मालूम नहीं, बट मैं आप लोगों को ना हमेशा पूछूंगा कि यार तेरा 29 आंसर आया क्या. तुम्हारा और मेरा मैच करेगा ना तो तुम इस तरह से फिंगर दिखा देना, और नहीं किया ओके. सो ये काम आप लोग करिएगा, मेरे को सपोर्ट चाहिए. वो लास्ट बेंच में वहां जो दो तीन चार बच्चे बैठते हैं उनका थोड़ा सा एक्टिवनेस मेरे को चाहिएगा. थैंक यू. ये कंफर्टेबल है आप लोग? जीपी ऑन कॉस्ट जीपी ऑन सेल मैनेज कर सकते हो? बोल बेटा. यस इट कैन बी 900% ऑल्सो. एप्पल का होगा, सुना नहीं तुम? अगला लाइन क्या बोला मैं? एप्पल का होगा. बोलिए कैसे? हाँ 2-3 हजार में बनाता होगा. मेरे को लगता है 3 हजार से ऊपर में नहीं बनता होगा. मतलब द मोस्ट होपलेस प्रोडक्ट एवर आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ इज एप्पल. क्योंकि पैसा था, दादागिरी दिखाने का मन था. अरे मत बोल यार. मतलब मेरी नजर में मैंने जो जो चीज यूज की सब होपलेस है. मेरा मेरे पास लास्ट मैंने जो यूज किया उनका 2, 3, 4, 5 जो भी निकला लास्ट, मैंने iPhone 6 खरीदा. उसके बाद मैं समझ गया कि सब बेकार है. और वो iPad और वो क्या उनका मोबाइल वो होता है ना एक तो लैपटॉप पतला वाला, क्या बोलते वो लोग, मैकबुक एयर. मेरा दोस्त एप्पल में काम करता है कैलिफोर्निया में, तो अरे
कैसे करता प्लीज। अच्छा बच्चों एक चीज बोलूंगा, आप हंसी मजाक कीजिए मेरे को कंफर्टेबल है, लेकिन मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता कभी भी। सच का इतना एग्जाम्पल है, हम कभी कुछ झूठ नहीं बोलते कभी भी नहीं। आप तुरंत गूगल मारिएगा मेरी बात, मैं कुछ भी बोला आप पहले गूगल मार लीजिएगा, अगर आपको पता चले गूगल में मिल जाएगा मार के देख लीजिएगा। ओके नाउ लिसन, जब मैं 2015 में गया था यूएस घूमने के लिए, ही केम टू मी, और वो उनके यहां पे क्या होता है ना, इंप्लॉई कोटा में 15-20% हाँ डिस्काउंट में माल मिल जाता है। तो मेरा स्टूडेंट ही है वो, मयंक पुद्दार बोल करके है, तो लेकटॉन में रहता था, अभी यूएस में कुछ साल इन्फोसिस में काम किया, फिर कैलिफोर्निया में ही है। तो वो बोला ये यूज कीजिए ना सर, क्या इधर उधर यूज करते हैं, जितना गाली देता हूं मैं उसको, बट इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ बेटा हाँ सीए और उसकी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बोलो क्या अच्छा फंडा है मालूम, एक दिन बनाते 3 दिन खाते हैं। तो हम जब गए वहां पे उसके घर पे, तो शाम को मैं पहुंचा तो डोसा बनाया हुआ था। मेरी वाइफ बड़ी पर्टिकुलर इन सब चीजों में, बोला ये तो कल का घोला हुआ है परसों का, वो जो भी है, बोला यहां पे ऐसे चलता है 2 दिन। अच्छा वहां पे स्टाफ आप रख नहीं सकते, इतना कॉस्टली है। मतलब आप कुक रख लें 12,000-10,000 में, जहां इंडिया में रख लेते हैं। ड्राइवर किसी के पास नहीं होता, बहुत पैसे वालों के पास भी ड्राइवर नहीं, मयंक के पास भी ड्राइवर, बहुत पैसा उसके पास, ड्राइवर नहीं है, सेल ड्राइव में जाना है, स्टाफ नहीं रख सकते, इतना कॉस्टली है स्टाफ। छोड़िए क्या लिख रहे थे अपने, क्यों गए वहां पर। हाँ उस बच्चे ने पूछा, तेरा ही क्वेश्चन हमेशा ऐसा कचरा कचरा टाइप का, साला किधर चले गए हम लोग। अच्छा मैंने बोला जीपी ऑन कॉस्ट कैन बी 900%, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है एप्पल का मोर देन दैट होगा, मेरा होगा। यार क्या बात करते हो, मेरा होगा, 18,000 रुपये तुम दे रहे हो, कितना खर्चा लगता होगा, 2,000-3,000, 1,000 तो नहीं लगा, बुक का लगेगा साला, इलेक्ट्रिसिटी का भी तो वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। तो 2,000 का माल अगर 18,000 में बिक रहा तो 16,000 का प्रॉफिट है ना, हिसाब मत करना ना। लिखो आगे, तू लिख ना यार। क्या लिखा बच्चों, जीपी ऑन कॉस्ट जीपी ऑन सेल का रिलेशनशिप पक्का पकड़ में आ गया। अब ये वाला सम बना के दो मुझे, एग्जाम्पल टू, हाँ बट ट्रेडिंग अकाउंट में सुनना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी आप कॉस्ट यूज करोगे ना, फॉर्मूला तो यही वाला रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कॉस्ट इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट्स ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड टेल मी, सारे बच्चे लोग सॉल्व करने के पहले इधर ध्यान देंगे, कोई भी पहले सॉल्व नहीं करेगा, पहले सॉल्व करके पहले आंसर देने वाले को हम बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करते उसका, वो कुछ ना कुछ मिस कर देता है, सुनना, और वो इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर मिस कर रहा है तो वो गलती कर रहा है। तो बहुत जल्दी सॉल्व करने का ना बच्चों जरूरत नहीं है, क्लास में आराम से सॉल्व करो। टेल मी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अबाउट इट, जस्ट थिंक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट्स नॉट अ फॉर्मूला ओनली, इट हैज ए मीनिंग टू इट। आइए डिस्कस करते हैं, से ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर एट कॉस्ट, टेल मी कैन देयर बी इंस्टेंसेस वेयर स्टॉक्स आर नॉट एट कॉस्ट। बोलिए डरना नहीं है बेटा, आप लोग जानते हैं फाउंडेशन पास करके आए हैं, आप बोलिए बिटिया क्या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कॉस्ट पे ना रहे,
एक सेकेंड, एक बार इस बच्ची को बोलने दे, तेरे को बिटिया नहीं बोलूंगा, बेटा बोलूंगा। हाँ, कब होता है ऐसा? नहीं बोल रही बच्ची अभी, थोड़ा सा कंफर्ट आने में 2-3 दिन लगेगा। स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। एक बच्चे ने बोला मार्केट वैल्यू, 95% करेक्ट, 95% करेक्ट बट नॉट 100%, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला फिर से? मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब बेचने जाएंगे 40 रुपया मिलेगा, पर 3 रुपया खर्चा लगेगा बेचने का, उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, जो बेचेगा उसको दलाली कमीशन देना पड़ेगा, मान लो 3 रुपया मेरा और खर्चा लग जाएगा। जवाब दीजिए, 37 इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो अगर इन्वेंट्री का, स्टॉक का कॉस्ट बड़ा हो, आगे बोलिए, एनआरवी छोटा हो, तो स्टॉक्स में भी वैल्यूड एट एनआरवी, ओके? तो उस पर टेंशन नहीं लेने का है, ओके? नाउ टेल मी, 4000 मेरे को बोलो, 4000 मेरे पास शुरू में था माल, 24,000 का माल हम और खरीदे, 28,000 का माल हो गया, 8,000 का माल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 20,000 का माल हम बेच दिए, वर्ड देखिए, 20,000 का माल हम बेच दिए, तो 20,000 का माल बेच दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का माल बेच दिए, तो बेच दिए इज गुड सोल्ड, 20,000 का माल था, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं तुमको बोलता हूं ये पानी का बोतल कितना का है, तुम बोलता है 20 रुपया का, व्हाट इज दैट योर कॉस्ट, तुम बोलते कि नहीं? अब मान लो मैंने तुमको पूछा कि बिटिया तेरे पास जो मोबाइल फोन है वो कितने का है, तो तुमने बोला 25,000 का, व्हाट इज दैट कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज ए मीनिंग टू इट, इट्स नॉट ओनली ए फॉर्म्यूला, ओके? ट्रेडिंग में जीपी रेशियो को जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट वाइज यूज करोगे, कॉस्ट शुड बी, फुल फॉर्म बोलो, कॉस्ट शुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन? अब आप इसको सॉल्व करके दो मुझे आराम से, टेक योर टाइम, फिर मैं कुछ बोलूंगा उसको सुनना, इवन इफ यू आर सक्सेसफुली सॉल्विंग इट, यू आर सॉल्विंग इट इन 10 सेकेंड्स, फिर भी सुनना। क्या निकला बच्चों? जीपी कितना निकला? जीपी 20,000 इंटू 1/4, बोलना, ये तो यहां तक किए ना आप लोग, कर पाए ना सभी स्टूडेंट्स, ओके? सो जीपी ऑन कॉस्ट इज, ये देखिए कॉस्ट, ये देखिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सी इज कॉस्ट, और आप जीपी ऑन कॉस्ट ही यूज कर रहे हो क्योंकि सेल का डेटा नहीं है आपके पास, तो आपको जीपी ऑन कॉस्ट का रास्ता लेना ही पड़ेगा। तो आपने जीपी ऑन कॉस्ट का रास्ता लिया, सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला, ओके? सो जीपी निकला 5,000, सेल कितना? 25,000 का 5 times, बिकॉज जीपी इज 20%, अगर जीपी 20% है तो जीपी इज 1/5, 1/5 जीपी है तो सेल 5 times जीपी का होगा, तो जीपी अगर 5,000 निकला तो सेल इज 25,000। कर पाए अच्छे से एक बार?
टोटल करके रखो और मैं कुछ और बोलता हूं उस पर ध्यान दो। यस बेटा, जस्ट वेट, हो सकता है मैं वही बोल रहा हूं। यू गॉट द आंसर करेक्ट? ओके, अब इधर देखिए, ये मिसिंग है बच्चों, प्लीज बोर्ड पे और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इवन दो यू हैव सॉल्व्ड इट इन 10 सेकेंड्स, फिर भी देखना है। हर चीज का अपने पास 2, 3, 4 तरीका, हथियार होना चाहिए ताकि कोई काम नहीं आए दूसरे को यूज कर सके। ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। अगर ये 100 है तो डरना नहीं है, बोलना है बेटा फटाफट, मेरी क्लास में खुलना बोलना है। अगर ये 100 है तो ये 20 है, इस तरह का यूज करते हो ना टर्मिनोलॉजी, इस तरह से करते हो ना लाइफ में यूज। तो ये 100, ये 20 है तो बाकी सब 80। ये 100 और ये 20 है तो बाकी सब 80 है, खाली जल्दी से हां बोलो। तो इसका मतलब ये 80 है, डन हो गया बात। 20,000 इज 80, देखो ये 20,000 सर्कल देखो ये वाला, प्लीज मत बोलना किसी तरह सर्कल नहीं लग रहा है क्योंकि वो पक्का बोलेगा हम तुमको बता रहे हैं, पीछे मत देख, तुम ही को बोल रहे हैं ना। नाउ ये 20,000 है, 20,000 इज 80, बाकी निकाल लो फटाफट। अगर 20,000 इज 80 देन 20 इज 5,000, इतना स्लो, एंड 100 इज 25,000, कंफर्टेबली कर पाएंगे? तो अगर आप इस तरह से भी यूज करना चाहें यू कैन डू दैट, किसी भी और तरीके से निकालना चाहें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी कर सकते हो, सर हम तो ना मार एलजेब्रा पढ़े हुए हैं, एलजेब्रा लेजी मैंस अरिथमेटिक। एलजेब्रा के बारे में आइंस्टाइन एक बार, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, आइंस्टाइन एक बार चले अपने अंकल के पास गए, उन्होंने पूछा व्हाट इज अलजेब्रा, अंकल ने बोला अलजेब्रा इज लेजी मैन्स अरिथमेटिक, वेर इफ यू डोंट नो एनीथिंग टेक इट एक्स, अ टाइम विल कम यू विल कम टू नो इट। ऐसा ही होता है कि नहीं, आप एग्जैक्टली हमको बताइए। हम लोग के बुक में था अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल करके एक चैप्टर होता था, आप इसको एक्स पकड़ लीजिए, जवाब दीजिए 0.2x, x by 5, 1 by 5x, कुछ भी, हाँ लेफ्ट इक्वल टू राइट, जल्दी बोलिए लेफ्ट इक्वल टू राइट, जवाब दीजिए तुरंत, हाँ हाँ नहीं बोलना है बोलो, हाँ थैंक यू। 28,000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू x प्लस 8,000। अब आपको जैसे निकालना है मेरी माँ निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज डू इट करेक्टली। कोई आपको नहीं बोलेगा कि ऐसे निकालो वैसे निकालो, किसी भी तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। कैन आई ड्रॉप दिस नाउ? गुड, लिखो। कितना नंबर पॉइंट है ये, अभी कितना बोलूंगा? एक मिनट रुकिए, कुछ बच्चों का ट्रेडिंग बना नहीं अभी भी। ओके, जस्ट वेट करो बेटा, एक प्रैक्टिस और कराना पड़ेगा, रुक जाओ। मैं देख रहा हूं सम पीपल आर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम्स इन प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन आई हैव गिवन द जीपी वेयर जीपी वाज सपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, हाथ उठाओ अभी। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको इतना देर लगा बेटा? अच्छा अच्छा, मतलब आप कंफर्टेबल थे ना, फिर भी हम चाहेंगे एक एक एग्जाम्पल और बनाओ तो, कि पता नहीं एक दो बच्चों को देख के मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। देखिए एक और बनाओ तो, कितना नंबर एग्जाम्पल? 3।
हाँ बेटा, सेल काटो सेल। एक आइटम का नाम बताइए जो ट्रेडिंग को हिट नहीं करे। ट्रेडिंग को हिट नहीं करे, ट्रेडिंग को हिट नहीं करे। हिट हम लोग वर्ड यूज करते हैं, हिट मतलब वहां जा करके उसको परेशान नहीं करेगा, है ना, तो उसको हिट करना बोलते हैं। आप ट्रांसफर नहीं होगा या ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, हम लोग उस वर्ड को बोलते हैं ये ट्रेडिंग को हिट नहीं करेगा। हिट करने से क्या कोई भी बच्चे इधर पहले सुनो, खाली आंसर निकालना। हिट नहीं करेगा मतलब, हिट करने का मतलब वो ग्रॉस प्रॉफिट को गिरा देता है। ट्रेडिंग को अगर कोई हिट करता है तो वो जीपी को गिराता है, पीएल को कोई हिट करता है तो नेट प्रॉफिट को गिराता है। डू वी हैव एन आइटम विच विल नॉट हिट द ट्रेडिंग अकाउंट? कैरेज आउटवर्ड। डू वी नो व्हाट इज परचेज रिटर्न्स? हाउ डू वी टेक परचेज रिटर्न्स इन द ट्रेडिंग? बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम परचेजेस, बिकॉज परचेज अगर रिटर्न कर दिया हमने तो वो परचेज हुआ ही नहीं। परचेज लेस परचेज रिटर्न इज द नेट परचेज या परचेज। ओके, चलो इसको बना के दो बच्चों, आंसर तुरंत मत देना, ट्रेडिंग कंप्लीट करो आराम से। आप लोग ट्रैवलिंग व्रावलिंग वगैरह चालू कर दिए, मतलब लोकल कन्वेंस वगैरह? अमरावती में लॉकडाउन हुआ है आज से, महाराष्ट्र में से प्लेस कॉल्ड अमरावती। हाँ, 9 to 6 है ना, 11 to 6 ऐसे कुछ। पुणे में भी बात चल रही लॉकडाउन की, सीइंग अ रिविजिट ऑफ द लॉकडाउन्स। यस,
हाँ सब कुछ, दो चीज छोड़ के सब कुछ। इधर देख लीजिए, दो चीज छोड़ के सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। सेल और जीपी छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना चीज रहेगा ट्रेडिंग में सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वट एवर कम्स इन द ट्रेडिंग बारिंग सेल्स एंड जीपी दे ऑल आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कर पाए हम सभी बच्चे लोग, कंफर्टेबल है हम लोग नाउ ट्रेडिंग अकाउंट से? अच्छा, इस तरह का सिचुएशन आपको क्वेश्चंस में, सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस में बहुत मिलेगा। ओके, जैसे ही आपको पता चला, हेलो हेलो डोंट टॉक थोड़ा देर के लिए, जैसे ही आपको पता चला सेल और जीपी दोनों मिसिंग है, सेल और जीपी दोनों मिसिंग है, आप समझ जाना सीओजीएस वाले कॉन्सेप्ट से आगे जाना होगा। आपको पता चला खाली एक ही चीज मिसिंग है तो जीपी ऑन सेल से काम हो जाएगा। अभी डन? क्या आप मानते हो कि हम यहां पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज कुछ भी मिसिंग करके दे सकते थे क्वेश्चन में? किसी भी तरह का क्वेश्चन कुछ भी मिसिंग फिगर बन सकता था, यस और नो? और बच्चों ऐसा भी होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऐसा भी होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ओपनिंग स्टॉक मिसिंग फिगर देता है वो लोग, और वो ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट आप कौन से स्टेप में बनाते हो? स्टेप के हिसाब से बताओ। फोर्थ स्टेप में बनाते हो ना, वहां से अगर ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, कुछ कमेंट करो, वो फर्स्ट स्टेप में काम आएगा। नहीं समझे अभी भी? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक आप कहां पे जाकर यूज कर रहे हो? ओपनिंग बैलेंस शीट में, यू आर प्रिपेयरिंग एन ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सोचिए फोर्थ स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा, कहीं से कैसा भी मिसिंग दे सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप यह मत बोलिएगा, एक सेकेंड, आप यह मत बोलिएगा सर मेरा तो फर्स्ट स्टेप पहले करेंगे तब ना फोर्थ स्टेप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयार होना पड़ेगा, ओके यहां से मिल रहा फिर वहां जा रहा है क्या? ठीक है। अच्छा वहां मिल गया फिर यहां जा रहा है, नॉर्मल है। हाँ ठीक है, कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर कहीं पे भी यूज हो सकता है। प्लीज उतना रिसेप्टिव आप रहिएगा। एंड वार्निंग सेंट जेवियर्स के बच्चों को, कौन है सेंट जेवियर्स का बच्चा क्लास में? वार्निंग दे रहा हूं, आप लोग अच्छे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप भी मालूम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिद्दी नहीं, जिद्दी नहीं, आप 50 तरह से मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, खुद जिद्दी नहीं बनेंगे। जितना जिद है ना मेरे सामने सॉल्व कर लेंगे, हम हेल्प करेंगे, पर्सनली बात करेंगे हम। आप ये बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं हो सकता, हम बताएंगे सर हम ऐसे करें तो, हम बताएंगे। लेकिन पहला स्टेप कंप्लीट करके हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे, सॉरी ये सिंगल एंट्री है, कोई सा भी स्टेप पहले कंप्लीट हो सकता है। ओके, तुम कुछ बोल रहा था बेटा? वेट करेंगे यस, फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने का। तो सर हम तो कंप्लीट कर कुरा के कैपिटल निकाल दिए हैं, फिर अचानक देखे फोर्थ स्टेप में ओपनिंग स्टॉक आ गया, हम तो सर बिना, रुक जा एक मिनट, रुक जा बेटा, अब तू जो बोला उसके ऊपर मुझे कुछ बातें बोल देने थे, उसके बाद तू और पूछेगा मैं और जवाब दूंगा। तो सर हम तो बिना स्टॉक लिए बना दिए कैपिटल, बैलेंस शीट क्लोज क्लास करके कैपिटल बना दिए, फिर जब ट्रेडिंग बनाए तो पता चला अरे बाबा ओपनिंग स्टॉक है यहां पे, फिर जाकर के सर हमको कैपिटल सुधारना पड़ा। हाँ तो सुधारो, तुम जिद में आए क्यों थे कि पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे? तभी तो सेंट जेवियर्स के बच्चों बोला मैं, वो जिद में आ जाते हैं, मेरे को तो ऐसे ही करना है, ये डांट नहीं रहा हूं, हाँ ये मैं वार्निंग दे रहा हूं। जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो जिद्दी हो जाते हैं। अच्छे बच्चों का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि दे शुड बी फ्लेक्सिबल। मैं भी अच्छा पढ़ता था, स्कूल टॉपर था, तो मैं भी जिद्दी था, तो मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि बाकी सब जिद्दी रहेंगे। एक तो साला मैथ का क्वेश्चन नहीं बनता था, रात भर उसके पीछे पड़े रहते थे पगला के माफिक, बना के ही उठेंगे। अबे पूछ लो ना ट्रिक क्या है, दोस्त से पता कर लो ट्रिक क्या। नहीं, हम तो बना के ही उठेंगे। कितना कितना टाइम वेस्ट होता है सीए में, अपन वो टाइम का वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बच्चों। अभी नवंबर आता ही दिखेगा, एग्जाम देते दिखेंगे। ओके,
लिखो। हाँ तू कुछ पूछ रहा था कि तेरा काम हो गया? हो गया, चलो लिखो। आज के दिन जितना भी क्वेश्चन आया है एक ही बच्चा पूछा है, बट इट्स गुड, कोई कम से कम पूछता रहे, क्लास लाइवली रहता है। लिखो, क्या नाम बच्चा? लिखो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4। Defalcation, cash defalcation, journal entry दीजिए, दो दो journal entry से मेरा मतलब है including the transfer और including the year end transfer entry। कैश डिफल्केशन अकाउंट डेबिट, सॉरी मैं ही जर्नल दे दिया, आप बताओ जर्नल। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करोगे। नाउ एक छोटा सा पोलाइट सा रिक्वेस्ट, अब नॉर्मल लॉस ही है, नाम दे रहे हैं, नहीं समझे, नाम देना जरूरी है। इसको बोला जाता है अकाउंट्स में द नेचर ऑफ द आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। जब आप अबनॉर्मल लॉस बोल देते हो ना तो आपने पूरी जात को लपेट लिया। प्लीज मेरे वर्ड्स पे उतना मत जाइएगा, मैं वैसे कास्टिस्ट नहीं हूं, मतलब आपने पूरी, जैसे मेरी वाइफ का थोड़ा सा, मैं मेरे को मौका मिलता है यहां पे तो हम हिम्मत दिखा लेते हैं, बेटा तुम थोड़ा सा ध्यान देना, ये उसकी उसकी मामी लगेगी तो बोल सकती है, वो जा करके चुगली चट्टा कर सकती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है बेटा मेरे तक बात रखना। नाउ हमारे यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ कास्ट हिंदू सिस्टम में, जैसे मेरी वाइफ का एक तो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या है, कि हम बहुत ऊंचे कास्ट के हैं, तो हम बोले तुम तीन नंबर में आती है, शूद्र से थोड़ा ऊपर। हमारे हिंदू सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड देन शूद्रास, बोलते ना चार जो हमारे सिस्टम है, तो हम लोग तो तीन नंबर में भाई। तीन नंबर में है ना, तो टॉपर कहां से हो गए, ऊपर कास्ट कहां हो गए। मारवाड़ियों को बहुत घमंड भाई इस चीज का, हम भी मारवाड़ी हैं, पता नहीं क्यों। एक मारवाड़ी लेडी एक जोक सुनाता है, क्या बोल रहे नहीं सुने, क्या बोल रहे नहीं नहीं प्लीज। हाँ एक रिक्वेस्ट छोटा सा, कि कभी भी क्लास का डिकोरम नीचे नहीं गिरना चाहिए। यू गॉट द मैसेज क्लियर? मेरा रिक्वेस्ट है क्लास, मैं आपको बताता हूं, ऐसे में हंसी मजाक करके पूरा क्लास हंसी मजाक से गुजर गया, यस और नो? मैं हंसी मजाक करके पढ़ाता हूं, बट अगर आपको यह लगता है कि मैं किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगा, आप गलत फहमी में हैं। स्ट्रांग है हम बहुत, दिखते हैं ऐसे ही लुजपुज टाइप का, ओके, बट कभी नहीं। लड़कियों पे किसी भी तरह का अगर मुझे एडवर्स कमेंट दिखाई दिया जो ऑब्सीन है, आपकी वाट लगा दूंगा मैं, मेरे यहां नहीं कहीं पे ट्यूशन नहीं कर पाओगे, हम इंश्योर कर देंगे, इंटरमीडिएट नहीं फाइनल्स में भी। क्या लगता था कोई टीचर आपका एडमिशन नहीं लेगा, बाहर के पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऑब्सीन रिमार्क्स गर्ल्स के ऊपर नहीं आएगा मेरी क्लास में, ये हमेशा याद रखिएगा। जितना भी हम हंसी मजाक करेंगे अलग बात है, बिलो द बेल्ट बात नहीं होगा। यू गॉट द मैसेज क्लियर? बाकी हंसी मजाक करेंगे यार, बहुत करेंगे, कर ही तो रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हर क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, बट प्लीज इतना सा डिकोरम हम लोग बच्चियों के साथ रखेंगे। डन? सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मेरे पास सबसे ज्यादा जोक मारवाड़ियों पे होता है,
तो कई लोग डाउट करते साला मारवाड़ी है कि नहीं है। ओके, सो एक मारवाड़ी लेडी, अच्छा मारवाड़ी कैसे होते हैं, देखिए मारवाड़ियों के ऊपर टैग लगा हुआ कि वो लोग सबसे कंजूस होते हैं, पैसा बहुत रहता है लेकिन खर्चा करना नहीं चाहते, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ मैं वो बोल रहा है, एक मारवाड़ी लेडी रहती, थोड़ा सा ना इसमें मारवाड़ी टर्म्स यूज होंगे, आई एम सॉरी, हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना जैसे क्वेरी पूछते हो। तो एक मारवाड़ी लेडी का हस्बैंड खो जाता है, गुम हो गया उसका हस्बैंड, तो पुलिस में गई रिपोर्ट लिखाने के लिए कि कोई माना वो खो गया ढूंढने, वो गुमशुदा नहीं बोलते क्या, मिसिंग, हाँ लापता हो, मिसिंग का जो रिपोर्ट होता है वो लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। तो दरोगा सामने है, वो अपने एक फ्रेंड को लेके गई है, मारवाड़ी में सहेली बोलते हैं, तो एक अपनी सहेली को लेकर के वो मारवाड़ी लेडी रिपोर्ट लिखाने गई है। ओके, तो पूछा पुलिस, वो जो सामने दरोगा था उसको पूछा कि आपका हस्बैंड दिखता कैसा था, डील डॉल पूछते ना, तब तो ढूंढ करके लाएगा। तो बोला 6 फुट 5 इंच हाइट था, वो मारवाड़ी लेडी बोल रही है। अच्छा, वो मारवाड़ी लेडी की सहेली बगल में, थोड़ा सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो बोल रहे 6 फुट 5 इंच हाइट था, कर्ली हेयर, डैशिंग पर्सनालिटी, और मतलब 15-20 तो क्रेडिट कार्ड रखता था, इम्पाला खुद ड्राइव कर रहा था, पीछे में उसका ड्राइवर जो है वो अलग से, अगर उसका मन नहीं करता तो इम्पाला से उतर के वो मर्सिडीज में बैठ जाता है, तो मर्सिडीज उसका पीछे पीछे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, गोरा चिट्टा, दुबला पतला, स्लिम एंड ट्रिम, स्मार्ट देखने में। उसकी फ्रेंड देख रही, किसके बारे में बता रही है। तो उसकी फ्रेंड ऐसे करके उसको कोहनी मार के बोलती है, अरे तुम किसके बारे में बता रही है, कौन है ये। तो अपनी सहेली को बोलती है, बोला साला गया तो गया, कम से कम आए तो ढंग का। आइए आगे लिखते हैं। सॉरी यार, क्या बोल रहा था, कैश डिफल्केशन, जर्नल एंट्री बोलिए, डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक बार अमाउंट मैंने ऐसे ही लिखा है। तो जिन बच्चों ने भी बोला ना अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, दे आर परफेक्टली करेक्ट, हाँ दे आर करेक्ट, बस उसको नाम दे दिए। पीएल में जब आप टू अब नॉर्मल लॉस लिखते हो ना तो इट लुक्स अ लिटिल बैड, आप उसको नाम दे दिए ना डिफल्केशन, सब लोग समझ जाएंगे अब नॉर्मल लॉस है, बिकॉज डिफल्केशन थोड़ी नॉर्मल है, डिफल्केशन इज अब नॉर्मल, तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन नाम दे देना इज इंपॉर्टेंट। और हम लोग भी, आप सोचो ना, जैसे नाम तो एक तो एंट्री पूछता हूं, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर टू कैश, अभी तुम कहे नहीं बोला फिक्स्ड असेट टू कैश, क्यों नहीं बोला बता, अब नॉर्मल लॉस में तो तुम अब नॉर्मल लॉस बोला तो वहां पे क्यों बोला, क्लियर। तो हम लोग ना कोशिश करेंगे टू दी लास्ट एक्सटेंट कि हम लोग उस लास्ट नाम तक पहुंच जाएं, जिससे कोई भी आदमी जब हमारा पीएल देखे तो उसको यह पता चले कि अब नॉर्मल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह जो भी आए हैं उनका नेचर क्या है। अमाउंट तो हम लोग बताएंगे 4000, नेचर भी बताने की कोशिश करेंगे। सेकेंड एंट्री नहीं बताए, थैंक यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिफल्केशन। लिख लिए, क्यों पी एंड एल में डाले, क्यों असेट में नहीं लेके गए, क्यों पी एंड एल में डाले, सर लॉस है, रिकवरेबल थोड़ी है, मार के लेके गया है, मांग के थोड़ी लेके गया है, हेलो समझ दो ना वर्ड, मार के लेके गया है सर, मांग के लेके जाता तो एडवांस हो जाता, फिर हम डिफल्केशन नाम भी नहीं देते, जल्दी एडवांसेस गिवन टू राजेश लिखते, माने नाम लिखते पार्टी का सर, जो अगर मांग के लेकर के गया होता, फिर आप यहां हेडिंग में भी कैश डिफल्केशन नहीं लिखते, आप लिखते कैश एडवांस्ड टू राजेश, तो सर हमारी भी एंट्री आप देखते, हम लोग को भी आता है, हम लोग भी राजेश टू कैश लिखते, फिर हम लोग भी डिफल्केशन टू कैश नहीं लिखते। सो व्हाट्स एन असेट, इफ इट्स रिकवरेबल इट्स एन असेट, इफ इट्स नॉन रिकवरेबल इट्स अ लॉस, लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिकवरेबल आर असेट्स, दे विल बी टेकन टू दी बैलेंस शीट। कंफर्टेबल है हम लोग, गुड। एक मिनट देखना, 5 नंबर में रुक जाओ थोड़ा देर।
अगर ये इंश्योर्ड है, अगर ये इंश्योर्ड है, ऑल माई कैश इज इंश्योर्ड, और मेरे को इंश्योरेंस कंपनी 80% का रिकवरी अश्योर कर दी, क्लेम इज अप्रूव्ड, मेरा कैश चोरी हुआ, मैंने फट से क्लेम लॉज किया, 3 दिन में क्लेम अप्रूव हो गया, ऑनलाइन क्लेम लॉज होता है, ऑनलाइन आजकल अप्रूव हो जाता है, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया 80% क्लेम अप्रूव बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बी केयरफुल ना, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ओके, बोलिए, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू। देखिए बच्चा स्मार्टली बोला, सर प्रॉफिट एंड लॉस में 20% जाएगा, बिकॉज 80% ऑफ द लॉस इज रिकवरेबल, 80% ऑफ द लॉस इज रिकवरेबल, सो दैट्स नॉट अ लॉस, दैट्स नॉट अ लॉस, दैट्स माय असेट। अजीब, चोरी हुआ ही नहीं उतना रुपया भाई, भले कोई तीसरा पार्टी, चौथा पार्टी, पांचवा पार्टी हमको पैसा दे, मेरा तो पैसा मिल रहा है ना, मेरे को तो मेरा जितना नॉन रिकवरेबल पोर्शन है वही तो लॉस है। तो यहीं पे आप लोग जर्नल एंट्री देने की कोशिश करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। यहां नीचे लिखो 4 नंबर पॉइंट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ऊपर के दोनों जर्नल में अमाउंट लिख दो 4000। आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है अच्छे से? यस और नो बोलिएगा प्लीज। और कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट किसी को भी है ना, तो अभी रुकिएगा यहां पे, हाँ मेरे से बात करिएगा, थोड़ा दूर से ही बात करिएगा, बात करके जाइएगा। किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर आज के लेक्चर से हुआ है तो, ऑडिबिलिटी, विजिबिलिटी या वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है। और एक पोलाइट सा रिक्वेस्ट है मेरा, हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे पहला 10 से 15 क्लासेस, उसके बाद स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं? एनी बडी जिसको लग रहा है कि बहुत तेजी से भाग रहा आदमी? नहीं ना, कंफर्टेबल है ना आपके लिए स्पीड? थैंक यू। कॉपी में क्या लिखा, 4000 लिख दिया वहां पे अमाउंट, गुड। नीचे लिखो, एक सेकेंड, ओके लिखो, से इन द अबव केस इंश्योरेंस कंपनी हैज अप्रूव्ड ए क्लेम ऑफ 80% बिफोर द ईयर एंड। पैसा मिला नहीं है, क्लेम अप्रूव हुआ है, क्लेम रिसीव्ड नहीं हुआ है, बट अप्रूव्ड हो गया। यू हैव दैट डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव 3200 रुपीज। जर्नल एंट्री सेकेंड वाली बताओ। अच्छा, पहली वाली जर्नल एंट्री सेम रहेगी, आपको मालूम है? जल्दी, वो जो बेस जर्नल एंट्री है, डिफल्केशन तो 4000 का हुआ ही है बेटा। बोलो सेकेंड वाली जर्नल एंट्री बताओ, इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट, गुड। डेबिट, व्हाई आर यू डेबिटिंग दिस? थैंक यू, दिस इज एन असेट। तो एक असेट को डेबिट करने से कभी घबराना मत, वी आर हियर टू क्रिएट असेट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे, असेट क्रिएट होगा। हमारे पास बहुत सारी असेट्स हैं, जिनके पास असेट ज्यादा होता है उन्हीं को पैसा वाला बोला जाता है, क्लियर है। जिनका असेट ज्यादा होगा, लायबिलिटीज कम होगा, डैश ज्यादा होगा। जल्दी बोले ही नहीं यार, इतना स्लो। जिनका असेट ज्यादा होगा, लायबिलिटीज कम होगा, उनका कैपिटल ज्यादा होगा। अच्छा हेलो, असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, जानते हो? तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया है। तो जिनका असेट ज्यादा, लायबिलिटी कम, उनका कैपिटल ज्यादा, दैट मींस उनका नेट वर्थ ज्यादा। जिनके खाली असेट ही असेट, जीरो लायबिलिटी, उनका नेट वर्थ बहुत ज्यादा। क्लियर?
अमाउंट बोलो बच्चा। गुड, बिना ब्रेक के 2.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा के बाद ना आप मेरे को याद दिला देना। हाँ, एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 पे आप एक बार याद दिला देना कि सर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ओके, आज तो पढ़ा दी ज्यादा, इतना पहला क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, बहुत दिन के बाद पढ़ाने बैठ रहे हैं, तो हमको लग रहा कि बस बोलते जाए बोलते जाए। सुनिए ना बच्चों, एक तो बात पूछना है, ट्राई टू बी स्मार्ट। ईयर एंड तक अप्रूवल नहीं आया, क्लेम लॉज कर दिए, वर्ड समझ पा रहे हो, चोरी हुआ, ईयर एंड आ गया, 22 मार्च को इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉज कर दिए, क्लेम लॉज कर दिए, उनको बता दिए कि लॉस हुआ है मेरा, वहां से अप्रूवल नहीं आया, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टाइम आ गया। लॉस लिख दें कि एसेट लिख दें? लॉस लिख दें या एसेट लिख दें? क्या व्यू है आप? अच्छा, आप लोगों से हाथ उठा के बोले लॉस लिख दें, कितने बच्चे मानते हैं? सर रिकॉर्ड इट अ लॉस नाउ, विल थिंक लेटर। नीचे कितने लोग बोल रहे हैं सर लॉस मत लिखिए, लॉस कैसे लिख देंगे इतना जल्दी, एसेट लिखिए। अच्छा, लॉस और एसेट दो में से एक चीज तो लिखना ही पड़ेगा अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। हेलो हेलो बच्चा लोग, लॉस या असेट दो में से तो एक लिखना ही पड़ेगा गिवन सर्कमस्टांस में। ओनली वन बॉय इज सेइंग सर असेट लिखिए ना, लॉस क्यों लिख रहे हैं? जवाब दीजिए आप लोगों में से कोई इस बच्चे को, बोलिए सर वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म इज द अदर नेम ऑफ प्रूडेंस। कुछ बच्चों ने कंजर्वेटिज्म बोला, कुछ बच्चों ने प्रूडेंस बोला, बोला तुम गलत हम गलत है, दोनों सिनोनिम्स ही है, दे बोथ आर सिनोनिम्स। अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म इज प्रूडेंस, तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से आप एक असेट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को आप एंटिसिपेट करके लिख देना है। अब वही बच्चे लोग जिन लोगों ने बोला हमको लॉस लिखना है, यू आर फुली करेक्ट ना, नो आर्ग्यूमेंट, थैंक यू। क्या हुआ, अगले साल इंश्योरेंस कंपनी ने आपने डिफल्केशन को लॉस मान के पीएल में डाल दिया है, डन। अब डिफल्केशन के नाम का कोई चीज जिंदा आपकी बुक्स में नहीं है। यू नो पीएल में कोई चीज चला गया तो मर जाता है, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स, एक सेंटेंस याद रखिएगा मेरा, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स डाई देयर नेचुरल डेथ when we transfer them to profit and loss account, all the real and personal accounts, they are living things, living non-living बोलते ना 7-8 क्लास में, assets real और personal accounts सब जिंदा रहते हैं और वो बैलेंस शीट में जाकर के खड़े रहते हैं। क्लियर ना? बोलिए, अगले साल इंश्योरेंस कंपनी ने 3,500 रुपया का अप्रूवल दे दिया, पैसा भी आ गया, ये लिखा मैंने कैश रिसीव्ड, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं खोला जाता, मिस्टेक थोड़ी हुआ है। नहीं रुकिए, पहले चलिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड बच्चों, मैं बोल रहा हूं ना, मैं सब बताऊंगा एकदम धीरे धीरे, ये सब इनका भी ना पीएल एडजस्टमेंट का एक अलग से डिस्कशन का वक्त आएगा। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक अभी हमारी सिंगल एंट्री की क्लास चल रही है, हम लोग पीएल एडजस्टमेंट टाइप का कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वट वी आर प्रिपेयरिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, दैट। ओके, 3,500 रुपया मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से उसी क्लेम के अगेंस्ट में जो मैंने पिछले साल लॉन्च किया था और तुम्हारी दादागिरी थी और वो सही थी कि तुमने उसको पीएल में डलवा दिया था। अब क्या करना है? बोलिए, आप सही तो बोले थे सर, गेन लिखिए, गेन लिखिए, लॉस ज्यादा लिख दिए थे, बोलिए हां, गेन लिखिए सर, गेन लिखने का टाइम आ गया। जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, अब नॉर्मल गेन डन,
नाम दे रहा हूं ओके कैसे अकाउंट डेबिट बच्चा लोग नहीं राजेश नाम देना है ओके बोलिए कैसे अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। और यहां पे जिस बच्चे ने अबनॉर्मल गेन बोला मैंने उसको सुधार के ऐसा किया उसको बुरा नहीं फील करना वो सही किया है हम लोग उसको एकदम पर्टिकुलर कर दिए कितना रुपया एक घटिया क्वेश्चन है तुम लोग क्या लिखे उसके ऊपर पहले ये तो बताओ हाँ ये लिखा है ना ओके ओके मैंने डिक्टेट नहीं किया थैंक यू इतना इतना कर लेंगे तो हम तो निहाल हो जाएंगे। अच्छा एंट्री मारने के बाद मेरे एक सवाल का जवाब दो आज का लास्ट 500 रुपए का लॉस क्वेश्चन समझे हम क्या पूछ रहे हैं पहले आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ बताओ और इस क्वेश्चन का आंसर खोजते रहो। हाँ आपने लिखा इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड इन दी नेक्स्ट ईयर We will first transfer the law. अच्छा वो तो लिखा नहीं होगा तुम लोग ना वो पुराना वाला लाइन लिखा था कि अगर क्लेम अप्रूव नहीं हुआ ईयर एंड तक तो थोड़ी लिखा होगा तुम लोग नहीं लिखा ना लिख लिया है तुम लोग इसको मैनेज कर लियो अपने तरीके से तो मैं आगे बढ़ जाऊं ना क्योंकि कौन कैसा लिखा होगा सबको अलग अलग टाइप से सुधारना पड़ जाएगा फिर मेरे को ठीक है ना आप अपना मैनेज करो। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 500 रुपए का लॉस कहां है ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है मालूम है ऑलरेडी हम लोग पीएल में भेज चुके हैं सर उस वक्त ज्यादा लॉस भेज दिए थे अभी गेन लिख करके उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं लग रहा है जाते जाते कुछ ढंग का चीज लेके जाओ ये गलत नहीं लग रहा है कि पिछले साल का था 500 रुपए का लॉस पिछले साल ऐसे हो गया ऐसे हो गया बोलिए बोलिए डरना नहीं है इतना तो अच्छा क्लास किया इतना अच्छा सब कुछ बोले हो आई एम वेरी हैप्पी बोलिए हाँ वो तो श्योर है डन डन अरे वो क्वेश्चन नहीं है बच्चा तुम सुना ही नहीं क्वेश्चन अलग है ये बच्चा बोल रहा सर ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन इनकम वो तो बोल ही थी इनकम बुक करना है माय क्वेश्चन इज क्या पिछले साल 500 का लॉस बुक नहीं होना चाहिए था नहीं नहीं मेरा सवाल ये नहीं कर तो दिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हमने गलती नहीं कर दी 4000 रुपया का लॉस पिछले साल बुक करके सर करते क्या आप बता दीजिए आप बताए करते क्या जब इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव ही नहीं हुआ तो ईयर एंड में आप एक एंटिसिपेटेड असेट तो लिख नहीं सकते असेट अगर नहीं लिख सकते तो आपको फाइनेंशियल बुक्स तो क्लोज करनी है बुक्स अगर क्लोज करनी है तो असेट और लॉस में एक चॉइस था हमने लॉस चॉइस किया और करेक्ट चॉइस किया और अभी इनकम हो रहा तो इनकम लिख रहे हैं ना सर नेट पे तो 500 रुपया शांति रखिए पिछला साल 500 रुपए का लॉस कैसे लिखेंगे जब तक क्लेम अप्रूव नहीं हो जाएगा हम तो फिर कंटिंजेंट असेट को असेट में लिख देंगे अगर हमने उस वक्त तक तो एंटिसिपेट करके असेट बुक्स में लिख दिया तो व्हाट आई एम डूइंग आई एम रिकॉर्डिंग ए कंटिंजेंट असेट इन द बुक्स वेयर इट वॉज कंटिंजेंट इट वॉज नॉट अ रियल असेट And you cannot record a contingent asset as an asset. तो सर हमने ठीक ही किया था उस वक्त 4000 का ही लॉस बुक होना चाहिए था और आज 3500 का इनकम ही रिकॉर्ड होना चाहिए था और यही लॉजिकल है